नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2 क्लास 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल मंदुरी एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त 2018 में किया था। मंदुरी एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने से जनपद ही नहीं पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों के सपनों को अब 5 साल बाद पंख लगेंगे। नागर विमानन निदेशालय यानी DGCA की तरफ से 19 सीटर विमान के उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करने और दिसंबर के अंतिम सप्ताह से उड़ान की तैयारी पूरी कर ली गई है। विमान सेवा अभी दिन में ही शुरू होगी। हालांकि विमान कंपनियों के आवेदन और उनके रूट चार्ट के निर्धारण के बाद विमान सेवा शुरू हो जाएगी। आजमगढ़ से किस किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित मंदुरी एयरपोर्ट को विकसित करने का कार्य काफी पहले पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को लगभग 18.50 करोड़ रुपए से हवाई पट्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रनवे का विस्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या में नव निर्मित श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। संभावना है कि जिस मंदुरी एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था उसका उद्घाटन भी अयोध्या से वर्चुअल कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। सभी यही कह रहे हैं कि यह शासन स्तर से निर्धारित होगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि DGCA ने 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने का लाइसेंस जारी किया है। जिला प्रशासन को जितनी भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको पूरा कर लिया गया है। DM ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा और मेडिकल फैसिलिटी की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे पूरा कर लिया गया है। हमारी तैयारी से DGCA संतुष्ट है। उड़ान कहां के लिए होगी इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। यहां से अभी दिन में ही विमान सेवा शुरू होगी। उड़ान कब से शुरू होगी इसकी जानकारी भी अभी नहीं है। आजमगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जो हवाई अड्डा बना है, नो फ्रिल एयरपोर्ट है, उसको DGCA के द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है और अब शीघ्र ही 19 सीटर तक की क्षमता के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका यहां से संचालन शुरू हो सकेगा। अभी इसके संबंध में जो वैमानिक कंपनियां हैं उनसे चर्चा शासन स्तर पर हो रही है और जो भी वहाँ से अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। हाँ, हम लोगों की पूरी तैयारी है जो एयरपोर्ट की सुरक्षा और मेडिकल इस तरीके की जो भी व्यवस्था वहाँ होनी थी वो सब हो गई है और उसकी समीक्षा DGCA के द्वारा भी कर ली गई है और वो संतुष्ट है उससे। नहीं, अभी इस पर कोई। वहीं मंदुरी एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश यादव ने ABC न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि लाइसेंस मिल गया है। उड़ान के लिए विमान कंपनियां आवेदन करेंगी। किन शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू होगी अभी यह तय नहीं है। विमान कंपनियां जिन स्थानों के लिए आवेदन करेंगी उन महानगरों के लिए सेवा शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, इसे सरकार को सुनिश्चित करना है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में शुक्रवार की आधी रात में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और संत रैदास की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि नई प्रतिमाओं को स्थापित कराया जा रहा है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शनिवार को सुबह जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी हुई घटना स्थल पर भीड़ जुट गई। सूचना पाकर निरीक्षक अनुराग कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे। आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुटे रहे। वहीं ग्रामवासियों ने घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और संत रैदास की प्रतिमा स्थापित की गई थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया गया था, जबकि संत रैदास की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर चबूतरे पर ही छोड़ दिया गया था। अगले दिन सुबह को यह जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वहां पर भीड़ एकत्र हो गई। घटना सूचना फोन करके थाने पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, परंतु किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल नई प्रतिमा मंगवाया। पुलिस की देखरेख में नई प्रतिमा को पुनः वहां स्थापित किया गया। किसी शरारती तत्व में रात में गोपालपुर गांव जो पड़ता है थाना सिधारी क्षेत्र में, इसमें अंबेडकर मूर्ति को क्षति पहुंचाई है। इसमें अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है। थाना का फोर्स मौके पर मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही आदमी को चिन्हित कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है सर। गांव वालों के सहयोग से ही नई मूर्ति लाई जा रही है और वहां स्थापित की जा रही है। वहां पे पूर्ण शांति है, किसी तरह की समस्या नहीं है वर्तमान। शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को पर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 यशवंत कुमार सरोज ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती ने आरोप लगाया कि शेषनाथ चौहान पुत्र अभिमन्यु निवासी सोनपार थाना मुबारकपुर ने शादी का झांसा देकर लगभग 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब विवाह करने के लिए दबाव बनाया, तब 18 सितंबर 2019 की शाम 4 बजे पीड़िता शेषनाथ के घर पहुंच गई। वहां पर शेषनाथ ने पीड़िता के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उसे गड्ढे में धकेल दिया, जिसे कई लोगों ने देखा। पीड़िता की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेषनाथ चौहान को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में इस शनिवार तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 186 मामले आए, जिसमें से 14 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 172 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 109, पुलिस के 28, विकास के 19, विद्युत के 13, चकबंदी के 2, पीडब्ल्यूडी के 5, सिंचाई के 3, समाज कल्याण के 2, खाद्य एवं रसद के 1 एवं कृषि के 4 मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। जिलाधिकारी ने तहसील लालगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम सभा की जमीनों से बेदखली का आदेश होने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने की शिकायत मिलने पर लेखपाल प्रभाकर वर्धन को निलंबित करने का निर्देश दिया एवं लेखपाल सुषमा एवं पूनम चौहान को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज, तहसीलदार लालगंज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर, क्षेत्राधिकारी लालगंज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस अवसर पर यहां कुल 82 मामले प्रस्तुत हुए,
जिसमें से महज 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 63, पुलिस के 15 और अन्य विभाग के 4 मामले शामिल रहे। आजमगढ़ के शहर के गुरुद्वारा गुरु नानक विट्ठल दरबार पर शनिवार को वाराणसी से आए सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर जानकारी ली। इस दौरान वहां की भूमि पर अवैध कब्जा किए लोगों की स्थिति को देखा। वहीं मीडिया से बातचीत में वाराणसी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष करण सबरवाल ने प्रशासन से उम्मीद जताई कि वह जल्द ही अवैध कब्जों को हटाकर गुरुद्वारा की जमीन गुरुद्वारा को सौंप देंगे। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा की करीब 1 एकड़ की जमीन है जो तहसील में दर्ज है। अभी 11 दिसंबर को सिख प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तब मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को वृहद रूप में मनाने को भी कहा था। वहीं आजमगढ़ के गुरुद्वारा की भूमि को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग होने की बात कही थी। वाराणसी सिख कमेटी के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आजमगढ़ का प्रशासन गुरुद्वारा की भूमि को 26 दिसंबर को आयोजित वीर बाल दिवस से पूर्व ही अवैध कब्जे से मुक्त कर गुरुद्वारा को सौंप देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब 26 को फिर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि सिख समाज कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा बल्कि शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर न्याय मांगेगा। कि गुरु नानक देव महाराज जी की चरण स्पर्श भूमि जहां गुरु नानक देव महाराज जी आए थे और यहां पर कितनी भूमि तकरीबन एक एकड़ जमीन ये जो कि यहां पे तहसील में इसका पूरी जानकारी ले ली गई है और अभी हम लोगों ने 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वीर बाल दिवस 26 तारीख को लखनऊ में मना रहे हैं, उससे पहले पहले यहाँ का प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा और जगह आपकी दिलवाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के प्रशासन इसमें पूरी हेल्प करेगा और मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि अगर कोई गुरुओं की ज़मीन है तो वह गुरुद्वारे को मिलनी चाहिए। इसमें 17 हम लोग वहाँ पर मिले थे, भिन्न भिन्न गुरुद्वारे के लोग वहाँ आए थे, आगरा से, पीलीभीत से, शाहजहाँपुर से, कानपुर से, जगह जगह के बनारस से लोग एकत्रित हुए थे और ये आश्वासन हमको मिला है। हम आज भी कोई भी इस तरह का प्रदर्शन कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि भाई ये गुरुद्वारे की ज़मीन गुरुद्वारे को मिलनी चाहिए। और गुरुद्वारा में यहाँ गुरु नानक देव महाराज जी का जो कि सिख धर्म जिसने हमेशा मानवता की सेवा की है और 4 साहिबजादों के भी हम लोग मना रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के निवास पे ही मनाया जाएगा, जिसमें हम लोगों को बुलाया भी गया है। हम लोग दोबारा इस इशू को उठाएंगे अगर 26 तक कार्य नहीं हुआ तो। हम जो भी कार्य करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे, यही है। और यहाँ के प्रशासन से पूरी उम्मीद करते हैं कि वो पूरा सहयोग करेगा और जल्द से जल्द ये जगह गुरुद्वारे को दिलवाएगा। प्रेस वार्ता जो आपको पता ही है कि 25 तारीख को यहाँ पर गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विट्ठल घाट में जो घटना घटी थी, उसके पश्चात में जो 27 तारीख को एसडीएम सदर के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि एक हफ्ते के बाद आपको ये पैमाइश करके, अब तक पैमाइश करवा करके बाउंड्री नहीं करवाई गई, कब्जा नहीं दिलाया गया, तो हम लोग उसी प्रकरण को लेकर के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिल करके, जो हमारे सरदार परमिंदर सिंह जी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, उनके नेतृत्व में 17 सदस्यों की कमेटी ने मुख्यमंत्री जी आवास पे मिल करके इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग आजमगढ़ की जो गुरुद्वारा साहिब की भूमि है इसका निस्तारण कराएंगे। आज हमारे बीच बनारस के प्रधान साहिबान, समूह प्रबंधक कमेटी आई है, तो इन्होंने भी आपको प्रेस के माध्यम से बताया है कि हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि 26 तारीख को जो बाल दिवस के रूप में साहिबजादों का दिवस मनाना है उसके पहले पहले ये कार्य हो जाएगा। मैं पूरी आस करता हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस गुरुद्वारा साहिब का निस्तारण कराएं
और नहीं तो सिख संगतें और भी जिलों से आ करके यहाँ पर इसका गंभीरता से लेंगी, जो हल ना निकला। तो आज हमारे प्रधान साहब ने बताया ही है कि हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये गुरु नानक साहब जी का दरबार है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। आज गुरुद्वारा साहब को मिल जाता है तो मानवता की सेवा के लिए ही हम लोगों ने सेवा करनी है। तो मैं पूरी आश करता हूं कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। सब लोगों का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार की देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम विकास सेक्टर के अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण NRLM, भूजल, पंचायती राज प्रोजेक्ट अलंकार तथा जनपद में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां पर मनरेगा श्रमिकों से कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में चिन्हित किए गए अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो अमृत सरोवर अवशेष है उनका भी चिन्हांकन कर लिया जाए तथा जिसका वर्क स्वीकृत हो गया उसका वर्क ID जेनरेट कर काम प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अजमतगढ़, तरवा, हरैया में किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खाद एवं रसद विभाग की दुकानों के निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में 26 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को जारी की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास के लिए जारी की गई धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारी को मनरेगा एवं आवासों के निर्माण का निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह में करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरों एवं मेन रोड पर स्थित बाजारों कस्बों की प्रॉपर सफाई सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि मेन रोड के किनारे बाजारों एवं कस्बों के प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन रखवाएं तथा यदि कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकता है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जाए। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग से कराए गए कार्यों का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुके गौ आश्रय स्थलों को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में कायाकल्प के कार्यों को अगले 10 दिन में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड, KCC कार्ड, EKYC एवं ड्रोन प्रदर्शन आदि प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रत्येक दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आयोजित कैंप में कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप जिनके द्वारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए गए हैं उनके विरुद्ध तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने जल निगम ग्रामीण को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ISA कंपनियों को उपस्थित रहने एवं जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता आदि के संबंध में आने वाली जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने NRLM, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, कृषि विभाग, पशुपालन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में आते हैं उन्हें आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% संतृप्त करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में ब्लॉक CSC PHC पर कैंप लगाकर दिव्यांगजन कार्ड 100% बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज, वन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप, सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200+ डिजाइन एक्टिविटी किट्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन।